नमस्कार दोस्तों मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु डॉट कॉम एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो अजय गुरु से आपसे मुखातिब होता हूं आज एक मार्च सन 2021 मार्च माह का, का कारोबारी का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए एग्रो कमोडिटीज के अंदर दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका साधन या टूल है जो आपको अग्रिम विश्लेषण कर अपनी बात आप तक पहुंचाता है जो अक्सर सत्य साबित होते हैं चाहे वो सोना हो चांदी हो कच्चा तेल हो शेयर बाजार हो या फिर एग्रो कमोडिटीज हो सोयाबीन सरसों कपास गेहूँ धनिया इन सभी पे हमने आपको जो अग्रिम विश्लेषण दिया वो सत्य साबित होते देखे गए हैं उम्मीद है कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा दोस्तों भारत विश्वगुरु था हमारे पूर्वज हमारे ऋषि मुनि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आने वाले फसलों का अनुमान मानसून का अनुमान और उतार चढ़ाव का अनुमान सटीकता से लगा लेते थे, थे आज भी गांवों के अंदर कुछ बुजुर्ग ऐसे आपको मिलेंगे जो विभिन्न शकुन देखकर आपको मानसून के बारे में सटीक भविष्यवाणी देते हैं जो कि मौसम विज्ञान को भी फेल कर देती है ऐसी ही कुछ गणनाओं का ऐसी ही कुछ विश्लेषण विलक्षण प्रतिभाओं से हमने देश के कोने कोने से इस विद्या को इकट्ठा किया है और आप तक इसकी लाइव परफॉर्मेंस देने का प्रयास किया है हमने आपको साउथ वेस्ट मानसून पर अग्रिम चेतावनी दी थी सोने चांदी पर अग्रिम चेतावनी दी थी शेयर बाज़ार की तेजी के ऊपर बात की थी मंदी के ऊपर बात की थी जब अक्षत सत्य साबित हुई पिछले साल हमने सरसों सोयाबीन के अंदर बड़ी तेज़ी की बात की थी जो कि अक्षर सत्य साबित हुई सोने ने भी ऐतिहासिक स्तर देखा गया और कच्चे तेल ने तो गिरावट के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए माइनस थर्टी डॉलर की ट्रेडिंग इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज पे हुई उम्मीद है कि हमारे पिछले सभी साल दो साल के जो एपिसोड्स हैं आप देखें और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ताकत को पहचाने दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें आज हम बात करेंगे आपको आज की ग्रह स्थिति आज चंद्रमा कन्या राशि में है सूर्य और शुक्र कुंभ राशि में केतु वृश्चिक राशि के अंदर विचरण कर रहे हैं और मरकरी यानी बुध कैप्रिकॉन मकर राशि में है जुपीटर मरकरी एंड सेटन यानी देवगुरु बृहस्पति बुध और शनि आज मकर राशि के अंदर विचरण कर रहे हैं ये तीन ग्रह मकर राशि के अंदर विराजमान हैं मंगल वृषभ में और राहु भी वृषभ राशि में है तो ये भी ध्यान देने वाली बात है मंगल और राहु दोनों राहु की उच्च राशि वृषभ में यानी शुक्र ग्रह की राशि के अंदर है ये सब ग्रह सहयोग बाजारों के अंदर मिश्रित रोग की रचना कर सकते हैं दोस्तों हमारी एक विशेष पेशकश मार्केट एट थ्री पी मार्केट कल के मार्केट का भविष्य आज मार्केट बंद होने से पहले बिल्कुल देखना ना भूले मार्केट एट थ्री पी दोस्तों कपास सरसों शक्कर और गवार सीट पर हमारी पिछली भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हमारा विश्लेषण सत्य साबित हुआ मार्केट के अंदर इन कमोडिटीज के अंदर वैसी ही चाल चली आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं उसके ऊपर बात करेंगे आज कॉटन यानी कपास में तेजी की संभावना बन सकती हैं जो कपास के ट्रेडर्स हैं किसान भाई हैं वो विशेष ध्यान रखें आज कपास में तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं एक और विशेष सूचना मिल रही है कि पाकिस्तान भी भारत का कपास आयात करने में इच्छुक हैं यदि ये कपास का, का निर्यात पाकिस्तान में भी होगा तो इससे कपास की में तेजी की संभावनाएं और बड़ी बन सकती हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कॉटन के अंदर अभी पूरे विश्व के अंदर तेजी की ही संभावनाएं और तेजी के ही संकेत मिल रहे हैं वीट यानी गेहूं गेहूं बहुत महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ खाद्य जीन्स के अंदर शामिल है गेहूं के अंदर आज मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं विशेष ख्याल रखें दोस्तों गवार सीड एवं गवार गम पश्चिमी राजस्थान गुजरात और हरियाणा के कारोबारी एवं किसान भाइयों की पहली पसंद गवार सीड और गवार गम में को लोग दसियों साल तक संभाल कर रखने की कैफियत रखते हैं बाधा रखते हैं और तेजी में ही अक्सर बेचते हैं तो गवार सीड के अंदर आने वाले कुछ समय के अंदर बड़ा ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है दोस्तों याद रखिएगा लंबे समय तक गवार को रखना या उचित मूल्यों पर पे माल बेच लेना ये व्यापारिक चातुर्य का एक खेल है महंगा आएगा महंगा बिकेगा सस्ता आएगा सस्ता बिकेगा ये अक्सर कहा जाता है व्यापारिक भाषा में तो गवार सीड और गवार गम में सरसों के अंदर आगे क्या संभावनाएं बनेगी याद रखना दोस्तों आने वाले 15-20 दिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं तेजी की, ल, की लहर दिखा के क्या मंदी नीचे आएगी ये सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का विश्लेषण आप तक ला सकता है दोस्तों संपर्क कर सकते हैं पेड कंसल्टेंसी के लिए चैनल हमारा बिल्कुल फ्री है आप देखते रहिए आशीर्वाद आपका बिल्कुल हमें मिलता है और चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो मामूली शुल्क देके और यदि आप व्यक्तिगत जानकारी चाहते हैं हमसे तो आप पेड कंसल्टेंसी के जरिए भुगतान कर आप हमसे बात कर सकते हैं आज सोने एवं चांदी में मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं इसके अंदर तेजी से इनकार नहीं किया जा सकता आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने सोने और चांदी के अंदर गिरावट की भविष्यवाणी की थी जो कि अक्षर सत्य साबित हुई सोना और चांदी पिछ, पिछले सप्ताह यानी शुक्रवार को बिल्कुल पानी की जैसे नीचे की तरफ भा जो कि हमारी अग्रिम भविष्यवाणी हमारे अपने क्लाइंट्स को भी थी आपको भी हमने आगाह किया था दोस्तों आप ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं फाइनिश इसके लिए संपर्क कर सकते हैं ऑल द वेरी बेस्ट गुड लक हैप्पी ट्रेडिंग